फूट से अगली खबर, किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का आज आखिरी दिन है। समापन समारोह में स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी चित्रकूट में होंगे और इस बैठक में किसान मोर्चा के आगे की योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। तो समापन समारोह में स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद होंगे। किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का समापन समारोह है और क्या कार्यक्रम आज रहेगा वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी चित्रकूट में मौजूद होंगे। इस बैठक में किसान मोर्चा के आगे की योजनाओं का ऐलान हो सकता है। अभी तक ये जो सम्मेलन किया गया उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला, आगे क्या रोडमैप रहेगा, कौन से अभियान चलेंगे, इसकी जानकारी आज निकल के सामने आ सकती है। रुक प्रयागराज का मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोइन, बताइएगा क्या निष्कर्ष निकला इतने दिन सम्मेलन और मंथन का, अब क्या रणनीति आगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज ये किसान मोर्चे की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसका आज दूसरा दिन है और दोपहर बाद जो है वो समापन सत्र शुरू होगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और किसान मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तीनों नेता खास तौर पर शामिल होंगे। पिछले हमने कुछ महीनों में देखा कि जिस तरीके से पूरे देश में किसानों के नाम पर, किसान बिल के नाम पर पूरे देश में सियासी उठापटक मची रही, लगातार हंगामा अब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा में मचा हुआ है, उसको लेकर के ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है और माना यह जा रहा है कि आज जब समापन सत्र होगा तो उसमें जो प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, वो किसान मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनको कुछ गुरु मंत्र देंगे। आगे के किसी कार्यक्रम का ऐलान किया जा सकता है, किसी मूवमेंट का ऐलान किया जा सकता है, कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है और बहुत कुछ मुमकिन यह है कि पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाए कि वो किसानों के बीच जाए, गांव गांव चौपाल लगाएं और गांव गांव चौपाल लगाकर किसानों को कृषि विरोधी कृषि कानून जो है उसके बारे में समझाएं और किसानों के नाम पर जो सियासत हो रही है उसकी असलियत उनके बीच बताएं, उनके बीच रखें, अपनी बातों को रखें। तो बहुत कुछ मुमकिन है कि आज कोई बड़ा ऐलान पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से किया जा सकता है, दोपहर जो है वो निर्देश दिया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। बैठक है वो सुबह 11 बजे बिल्कुल शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन। लखनऊ से अहम खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत में 63,000 केस निपट गए हैं, 63,000 मुकदमों का निपटारा कर दिया गया है। सुलह समझौते के आधार पर इन मामलों को निपटा दिया गया है। 40 करोड़ से ज्यादा के पक्षकारों को देने के भी आदेश किए गए हैं। जिला जज की अध्यक्षता में ये मुकदमे निपटा दिए गए हैं। आपराधिक बीमा, बैंकिंग, मोटर वाहन अधिनियम समेत कई अन्य मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करवाए गए हैं। मुकदमों का निस्तारण करवाकर 40,60,82,439 रुपए पक्षकारों को देने का आदेश हुआ है। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे का निस्तारण हो गया है। जिला जज की अध्यक्षता में ये मामले निपटा दिए गए हैं। 63,000 से ज्यादा केस जो हैं वो राष्ट्रीय लोक अदालत में खत्म करा दिए गए हैं। सुलह समझौते के आधार पर 63,000 मुकदमों का निपटारा किया गया है। सुलह समझौते के आधार पर इन सभी मामलों को निपटा लिया गया है। इतना ही नहीं, 40 करोड़ से ज्यादा के जो रकम है उनको पक्षकारों को देने का आदेश भी हुआ है।